न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज हम पहुंचे डिगलीपुर के मिलन ग्राम के वार्ड नंबर 3, जहां हमारी संवाददाता वल्ली ने आने वाले चुनाव के बारे वहां के लोगों से बात की कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो वे चुनाव में कड़े उम्मीदवार से मांग रखेंगे। इसी पर लोगों ने अपनी मांग बताई, जिसमें मुख्य रूप से सड़क, बस स्टैंड और स्कूली बच्चों के लिए बस ना रुकने जैसे समस्या मुद्दे शामिल। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। तो यहाँ सबका स्वागत है, मैं हूँ वल्ली और हम आज खड़े हैं डिगलीपुर के मिलन ग्राम गाँव में। यहाँ वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं और यहाँ बहुत सारे महिलाएं आज हमसे बात करना चाह रहे हैं और हम भी उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाला जो पंचायत इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार उनसे वोट मांगने आते हैं तो वो क्या क्या मुद्दा उनका सामने रखना चाह रहे हैं, क्योंकि लेडीज जो होते हैं अंडरडॉग्स बोला जाता है उनको, क्योंकि उनसे कोई आके कुछ पूछते नहीं है। बोल रहे हैं कि हमारा जो हेड होता है पुरुष, उन्हीं से आकर वोट मांगते हैं, हमसे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या क्या बताना चाहते हैं, जो उनका गांव में उन्नति होनी चाहिए या उनका पर्सनल कुछ इशू है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ आज बहुत सारे महिलाएं जुड़े हैं, आप सबको हमारा चैनल में स्वागत है। तो हम पहले इनसे बात करना चाहेंगे। मैम आपका नाम? तो मैम हम जानना चाहेंगे कि जो गांव में अभी पंचायत इलेक्शन आने वाला है तो इस इलेक्शन में आप क्या क्या मुद्दा सामने रखना चाहेंगे जो भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगना आते हैं तो? रास्ता ठीक करना, पहले घर के सामने पूरा गड्ढा है, बच्चों लोग बस रुकता नहीं, वहां से बस भर के आता या तो रुकता नहीं, पब्लिक भी नहीं, स्कूल बच्चों को भी नहीं है। फिर हम लोग का बस स्टैंड चाहिए, बारिश में भींग के पेड़ को ऊपर में हम लोग यहाँ में यहाँ पर खड़ा है, तो बस स्टैंड जरूरी चाहिए हम लोग को। और हम लोग रोड ठीक करना और बस्ती में क्या क्या, हम लोग का घर का सामने रास्ता भी बना कर देना, जंगल के अंदर में, जंगल के अंदर में भी यहाँ सब जंगल के अंदर में भी दिया रास्ता, और हम लोग का घर में थोड़ा सा भी थोड़ा रास्ता देने से अच्छा है, वो सब हेल्प करना हम लोग को। हम लोग का घर का सामने कलबेट है, नाली पूरा पानी भरता है, उसको ट्रेन बनाना, ऊपर से पानी काट के भी। इनसे भी जानते हैं, हमारे साथ और एक महिला बैठे हैं यहाँ पे। आंटी जी नमस्ते, हमारे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पूछ रहे हैं आंटी जी, जी यहाँ जो पंचायत इलेक्शन होने वाला है अभी, जो भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप कौन कौन सा मुद्दा उनके सामने रखना चाहेंगे? हमको पहले टॉयलेट चाहिए, हमको टॉयलेट वजह बहुत तकलीफ होता है, बच्चा जवान बच्चा को घर में रखा है, मेरे को टॉयलेट नहीं है। हम वीडियो ऑफिस में लिख के दिया, अभी लिख के देखे कितना, 4-5 महीना तो हो गया, मेरे को नहीं मिला है, मेरे को मिलना चाहिए। टॉयलेट चाहिए मेरे को पहले, और यहाँ में बस स्टैंड चाहिए मेरे को पहले, ये दो। तो आप बोल रहे हैं कि आपको अभी तक टॉयलेट नहीं मिला, क्योंकि ये तो बहुत पहले जो शुरू किया था मोदी जी ने, तो अभी तक गांव में आपके पास टॉयलेट पहुंचा नहीं है? नहीं पहुंचा मेरे को अभी तक, नहीं पहुंचा, नहीं मिला। तो आप मांग कर रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी, जो भी कैंडिडेट आते हैं तो मांग कर रहे हैं कि मुझे पहले टॉयलेट बना के दीजिए, उसके बाद ही मैं वोट करूंगी। हाँ, मेरे को पहले टॉयलेट मिलता, उसके बाद वोट देगा आपको। पानी तो मेरे को मिल गया। तो हम जानते हैं मैम, जो कोविड था, कोविड में जो कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था तो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाए, तो उस समय कौन सा ऐसा लीडर जो आपको आके हेल्प करे? लीडर हेल्प किया करके नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से थोड़ा चावल वावल तो दिया है, नहीं दिया करके तो नहीं बोलता, चावल वावल दिया 2-3 महीना का बात, एक बता चावल तो दिया है, और हेल्प करेगा, हेल्प किया करके तो नहीं है, लेकिन एक दफा हेल्प किया करके तो कोई नहीं बोल ना सकता, लेकिन एक बार आया, एक बार जानते हैं मैम, एक बार आया बीजेपी वाला लोग का, आधा किलो तेल, एक मेथी पैकेट, उस तरह आधा किलो दाल, 1 किलो चावल, आटा, इस तरह दिया है, फिर दूसरा कोई तो हम लोग को हेल्प कोई नहीं किया है। ओके, धन्यवाद मैम आप हमारे चैनल से जुड़े। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।